अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज दानिश फूड में हम चना चाट बनाने जा रहे हैं। इसके इंग्रेडिएंट देख लें, ये आधा किलो चने हैं सफ़ेद, ये है प्याज दो कटे हुए दरमियाने साइज़ के, दो टमाटर, धनिया पुदीना हरी मिर्ची, ये तीन आलू हैं दरमियाने, और ये दही का रायता है, ये है धनिया पुदीना और हरी मिर्ची टमाटर की चटनी, और ये इमली की चटनी है, और ये है चने का पानी। अब हम इन सब चीज़ों को शामिल करेंगे और फिर शानदार सी चना चाट तैयार होगी। इसमें हम चाट मसाला भी शामिल करेंगे। व्यूअर्स देखें, इसमें चने शामिल कर दिए गए हैं, अब इसमें चने का पानी जाएगा। अच्छा व्यूअर्स देखें, इसमें अब हम इमली का पानी भी शामिल कर रहे हैं। थोड़ा सा थिक है, लेकिन चूंकि इसमें चने का पानी भी शामिल है तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा पतला हो जाएगा। अब हम इसमें प्याज टमाटर शामिल करेंगे। प्याज टमाटर मिला दें बेटा, इसमें सारे डाल दें। इसके बाद व्यूअर्स अब हम ये जो कटे हुए उबले हुए आलू हैं वो इसमें हम शामिल कर देंगे, और जब हम इसको सर्व करेंगे तो हम दही का रायता और टमाटर हरी मिर्ची धनिया पुदीने की चटनी हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे। अभी हम इसको मिक्स करते हैं। चाट मसाला हम अलग रखेंगे ताकि जिसने तेज़ खाना वो ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, जिसने कम खाना वो कम इस्तेमाल करेगा। ये देख लें कैसा कलरफुल चाट बन रही है, और इसमें अभी हम दो लेमन का रस भी शामिल करेंगे। मेरे दानिश फूड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए, और मेरी वीडियोस देखते रहिए, और रेसिपी के मुताबिक आप हर खाना हर डिश बनाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। व्यूअर्स देखें, चूँकि चने ज़्यादा थे तो मैंने इसमें दो चम्मच खाने के चाट मसाले के डाले, और इसके बाद जब हम सर्व करेंगे तो दही का रायता और ये टमाटर हरी मिर्ची धनिया पुदीने की चटनी हम अपने हिसाब से जो भी जितनी खाना चाहे वो इस्तेमाल कर लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगली वीडियोस के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।